देवरी प्रखंड में नाबार्ड और आइडिया संस्था के सौजन्य से गठित जमडीहा एफपीओ के द्वारा सोमवार को घसकरीडीह और जमडीहा पंचायत के ग्राम बुझारा और नवाहर में निःशुल्क ई श्रम कार्ड बनाने का कैंप लगाया गया। जमडीहा फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर महेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि एफपीओ द्वारा संचालित कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से गिरिडीह उपायुक्त के निर्देश पर श्रमिकों का निःशुल्क ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि एफपीओ द्वारा ई उपार्जन पोर्टल की जानकारी भी गांव के किसानों को दी जा रही है। बताया जा रहा है कि झारखंड सरकार और जिला प्रशासन द्वारा चयनित पैक्स या एफपीओ को ही किसान धान दें ताकि आपको सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके। इन्होंने किसानों को औने पौने दाम में धान नहीं बेचने की सलाह दी और सरकार द्वारा तय मूल्य समय पर दिलाने का आश्वासन दिया। इन्होंने किसानों को औने पौने दाम में धान नहीं बेचने की सलाह दी और सरकार द्वारा तय मूल्य समय पर दिलाने का किसानों को भरोसा दिलाया। सीएससी संचालक अलाउद्दीन अंसारी ने कहा कि इस श्रम कार्ड के लिए एफपीओ के द्वारा लगातार गांव में कैंप लगाया जा रहा है। अभी तक सैकड़ों किसानों का ई श्रम कार्ड बनाया जा चुका है। इन्होंने श्रमिकों को ई श्रम कार्ड की जानकारी देते हुए कहा कि ई श्रम कार्ड धारकों को सरकार पेंशन, उपचार के लिए चिकित्सा राशि, दुर्घटना के मामला में सहायता, दुर्घटना जीवन बीमा, घर के निर्माण के लिए ऋण राशि, शिक्षा सहायता, कौशल उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता, सौर ऊर्जा सहायता, बालिका मदद योजना, छात्र पुरस्कार योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना, आवासीय विद्यालय योजना, कन्या विवाह योजना का लाभ मिलेगा। इन्होंने कहा कि श्रमिक यदि किसी दुर्घटना में विकलांग हो जाएगा या मृत्यु हो जाएगी तो 2 लाख रुपए की मदद सरकार की तरफ से होगी। इन्होंने कहा कि बिझारा गांव में कैंप में संजय मरांडी, संजली सोरेन, पम्मी मुर्मू, सोनलाल मरांडी, सीताराम मरांडी, प्रकाश मरांडी, पूरन मरांडी, लिलमुनी मरांडी, रीता मरांडी सहित कई लोगों का ई श्रम कार्ड बनाया गया। वहीं जमडीहा पंचायत के नवाहर में शिवकुमार हजरा, माया देवी, शिबू हजरा, शंकर शर्मा, जमुना शर्मा, बहादुर ठाकुर, श्रीदेवी, रंजनी देवी, प्रियंका कुमारी आदि का ई श्रम कार्ड बनाया गया।